माय गॉड, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अरे उठा लो। ए भगवान, ये बिलौटा इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है, उठा काहे नहीं ले रहा है। अरे मुझे उठा ले, मतलब पानी पीने के लिए उठा ले। चीते, प्लीज फोन उठा लेना यार, मेरे जान ही नहीं बची है। संतु जी, हम तो हाथ नहीं उठा पा रहे, अपना फोन कहीं से उठाए। हमारा टोपा लोगो फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? माफी। आह, हेलो जी, कौन बोल रहा है? हम हैं जो। अम्मा तुम जो कोई भी हो, हमें का लेना देना। अरे मैडम, हमारा नाम ही जो है। जो तुम्हारा जो का क्यों ना निकाल दिया ना, हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझ रहे? अरे सुनिए 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 मैडम, हम सिर्फ हसीना जी से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट dulhan.com पे जो अपनी प्रोफाइल बनाई है ना, रिन्यू करानी है कि नहीं, एक्सपायर हो गई है। कहा मैडम सर ने रिन्यू नहीं कराया अपना अकाउंट? अरे नहीं है, और आज ही उनकी अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि उनकी फोटो हटा दे साइट से। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि उनको कोई लड़का मिल गया है या कोई और बात है। क्या हुआ सनी? संतोष जी, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। बॉडी दर्द कर रहा है तुम्हारा? हाँ। लाओ थोड़ा हेल्प करते हैं हम तुम्हारी। और करें? नहीं 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 मैडम, हाथ जोड़ रहे मैडम, दर्द है, प्लीज कर दो। चुप रहो। सॉरी। हाँ मैडम, मैं बस ये बताने के लिए आया था कि इकबाल और बदनाम अपनी दुकान बंद करके बैठे हैं और वो अखाड़ा फिर से कंटिन्यू करने से मना कर रहे हैं। करिश्मा मैडम, वो मैं कह रही थी कि अगर मैं अखाड़ा ज्वाइन करूंगी तो फिर आपको चेयर कौन करेगा? तो मुझसे नहीं होगा, मैं चेयर करूंगी। मैडम, मेरे से भी नहीं हो पाएगा। तो मैडम, एक रिक्वेस्ट हमारा तरफ से है, अब संतु जी नहीं ज्वाइन करेंगे अखाड़ा तो हम ज्वाइन करके क्या ही कर लेंगे? तो हम और संतु जी ना ऐसे बाहर खड़े होकर ऐसे ही करके चेयर करेंगे। मैडम प्लीज, आपको भी माफ कर। अब करिश्मा मैडम, आप प्लीज़ एक बार मैडम सर से बात करिए ना कि कोई दूसरा तरीका ढूंढे दीप्ति को इंसाफ दिलाने का, प्लीज़। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। बैठिए, हम जानते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, हमें भी हो रहा है। क्या है ना, शुरुआत में शरीर में जब मांसपेशियां खिंच जाती है तो बहुत दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैडम सर, हम फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, मगर मगर बाकी सब नहीं करेंगे। चीता, संतोष, बिल्ला, इकबाल, बदनाम, सनी। बिल्ले को देखिए आप, ऐसा सोया जैसे सालों से कभी सोया ही नहीं। ये सब डर गए हैं मैडम सर, उन्होंने अखाड़े जाने से मना कर दिया है, बल्कि हमें यहाँ भेजा है आपको ये समझाने के लिए कि आप किसी दूसरी योजना से जो है ये केस अब सॉल्व करें। करिश्मा सिंह, आप सबको समझाइए कि ये शरीर है, आदत लगने में वक्त लगता है, लेकिन हो जाएगा फिर। आदत लगे ना लगे, लेकिन चोट पे चोट बहुत लग रहा है मैडम सर। दीप्ति के नियम कानून से डर गए हैं वो, उन सबको लगा था कि अखाड़े जाएंगे तो थोड़ा कसरत हो जाएगा, थोड़ा मौज हो जाएगा और केस भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ के कानून तो हमारे थाने से भी ज्यादा सख्त है मैडम सर, नहीं मान रहे। हम समझा के थक गए हैं उनको, अब आप देख लीजिए। एक मिनट, आप भी नहीं आने वाली हैं क्या? नहीं नहीं, हम आएंगे, हम आपके साथ हैं और जम के आपके साथ हैं। हमारा जो इच्छा शक्ति है ना और हमारा जो बॉडी का शक्ति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि करिश्मा सिंह ना कभी पीछे नहीं हटती, हमेशा आगे की तरफ चलती है, इसलिए हम दोनों काफ़ी है मैडम सर। ठीक है, हम ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप हमारे साथ हैं, लेकिन लेकिन मैडम सर बैठे रहिए ना। नहीं नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट करना ज़रूरी है वरना शरीर और अकड़ जाएगा। बात नहीं, आप बैठे रहिए। देखिए, अब बात सही कह रही है करिश्मा सिंह, लेकिन हम दोनों क्या काफी होंगे लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए? जय हिंद सर। जय हिंद। हमें यह ज्ञात हुआ है कि केस सॉल्व करने के लिए आपने अखाड़े में दाखिला लिया है। जी सर। और कुश्ती सीखने की लालसा रखती हैं। हम प्रसन्न हुए। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में
जीतने वाले को अखाड़े का नायक घोषित किया जाएगा। इसलिए हम आप सभी के उत्साह वर्धन करने के लिए ये घोषित करते हैं कि जो कोई भी प्रतियोगिता में नायक घोषित किया जाएगा, हम उसे तोहफे के रूप में अपने हाथों से बना भोजन खिलाएंगे। तो फिर इंतजार रहेगा आपकी प्रतियोगिता का। जी सर, जी सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहा सर ने? सर सर कह रहे हैं कि अखाड़े में जब भी कंपटीशन होगा तो वो भी वहां आना चाहते हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो उसे अपने हाथों का बना हुआ भोजन खिलाना चाहेंगे। नहीं, आप सही कह रही थी, हम दोनों काफी नहीं होंगे, हमें और प्रतियोगी चाहिए दाखिले के लिए। नहीं करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही थी, हम दोनों काफी हैं लोगों के मन में वो जज्बा जगाने के लिए ताकि वो इस अखाड़े को फिर से ज्वाइन करें। नहीं पर हम जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें नहीं लगता हो पाएगा। नहीं करिश्मा सिंह, जब लोग टीवी पर दो औरतों को कुश्ती करते हुए देखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। धर्म पाल ने लोगों के मन में जो डर पैदा कर दिया है उसकी जगह हमें उनके मन में वो जोश पैदा करना है ताकि वो दोबारा अखाड़े में आए, और हमें लगता है कि हम दोनों ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है, आप जज्बाती ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस कॉम्पिटिशन से डर गई हैं कि कहीं हम जीत ना जाए और लीडर ना बन जाए? इस कुश्ती में हम भाग लेंगे। गुड डिसीजन। तो मैं आपका दोस्त सरी चड्डा, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम हनुमान अखाड़ा। यहाँ होने जा रहा है एक ऐतिहासिक मुकाबला जिसका विजेता बनेगा हनुमान अखाड़े का लीडर। ये मुकाबला इसीलिए और भी खास है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले दोनों प्रतिस्पर्धी महिलाएं हैं। क्या इस पुरुष प्रधान खेल में ये महिलाएं अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे? इस मुकाबले में आमने सामने है हमारी हसीना मलिक और लखनऊ की लेडी दबंग करिश्मा सिंह। क्या हमारा नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हो तुम? कंटाप लगाएंगे ना ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे, फिर तुम्हारा कोई खबर नहीं आएगा, समझ रहे हो? सॉरी मैडम। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि उनको कोई लड़का मिल गया है या कोई और बात है? हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, आप घेरे के अंदर आइए और अपनी जगह लीजिए। चलिए हाथ मिलाइए। आपने अपना dulhan.com का अकाउंट का डिलीट कर दिया? नहीं, वो जो हमको कॉल करके हमारा दिमाग कथा ही कर देता है बार बार पूछ के। अब जरूरत नहीं है अब उस अकाउंट की, इसलिए डिलीट कर दिया, इसलिए रिन्यू भी नहीं किया। काहे जरूरत नहीं है आपको तो? आप दोनों को इस अखाड़े की प्रथा और नियमों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता लड़नी है। जैसा कि हमने कहा था, जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा हनुमान अखाड़े का नया लीडर। तो क्या तैयार हैं आप दोनों? जी।
प्रतियोगिता के पहले चरण में करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को चित करते हुए ये राउंड जीत लिया है। आपको मालूम है मैडम सर, ये करिश्मा मैडम एकदम फुर्तीली है, 10 सेकंड में अपनी कुर्सी से उठकर मुझे कूटकर वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। हाँ मैडम सुनिए, आप एकदम रेडी रहना क्योंकि मैडम से ना रिवेंज लेगी, वो बाउंस बैक करेगी। आपको हराने की भूख ना उनकी आंखों में नजर आ रही है। पता नहीं हमको हराने का भूख है या फिर अनुभव भैया के हाथ का खाना खाने का भूख है। दूसरा राउंड हसीना मलिक ने करिश्मा सिंह को चित करके जीत लिया है। करिश्मा मैडम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। करिश्मा ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। वादे के मुताबिक वो बनती हैं हनुमान अखाड़े की नई लीडर। बधाई हो करिश्मा सिंह, आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाएं सशक्त और सुदृढ़ दोनों हैं। हसीना जी, आप भी अच्छा खेली, इतने कम समय में आप दोनों ने इतना कुछ सीख लिया, वो प्रशंसनीय है। इसलिए हम आप दोनों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण देते हैं। आप दोनों ही हमारे लिए विजेता हैं। बधाई हो। अब हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर, आपको ऐसे खेलता देख के मेरा मन करा कि मैं दोबारा कुश्ती सीखूं। मैडम सर, संतु जी को इससे मन बनाता हुआ देख के हमारा मन भी ऐसे मन ही मन कर रहा है ना कि हम सिर्फ संतु जी के साथ कुश्ती लड़ेंगे। क्या? सीखेंगे, सिर्फ संतु जी के साथ ही कुश्ती सीखेंगे। दीदी हमें भी अखाड़ा ज्वाइन करना है। दीदी हमें भी कुश्ती सिखाएंगे ना आप? दीप्ति बहुत अच्छे, तुम्हें देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से अखाड़ा चलाओगी तुम? और कोई नहीं मिला तो आपस में ही लग गए। वैसे भी एक औरत
अगर किसी को कुश्ती सिखाना चाहेगी तो ज्यादा से ज्यादा एक और औरत को सिखा पाएगी, और वो औरत केवल इसी अखाड़े में कुश्ती लड़ने लायक रह जाएगी। इससे अच्छा आप कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते हैं? ये गलत फहमी आप मत पालिए। जब एक औरत रसोई में सालों से चूल्हा फूंक सकती है ना, तो आप जैसे पुरुष का गुमान 2 सेकंड में फूंक सकती है। अरे बहुत गुरूर है ना अपने आप में आपको, बुलाइए अपने पहलवान को, हो जाए दो दो हाथ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भूल गया, हमारी ओर से भी यहाँ उपस्थित सभी जनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई वो मटकी हमें दिखाई नहीं दे रही है जो फोड़ी जाएगी अभी, हाँ? वो कहाँ है वो मटकी? मारना यार मारना। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, किंतु चौधरी अखाड़े के पहलवान महिलाओं के साथ कुश्ती नहीं लड़ते। जबान तो लड़ाई रहे ना, तो दो दो हाथ काहे नहीं लगा सकते? छट्टी का दूध याद ना दिला दिया ना, तो नाम करिश्मा सिंह नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है यदि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है तो हमें तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। बहुत बढ़िया है, तो अब हम दिखाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे दीप्ति के ट्रेंड पहलवान ना तुम्हारे पहलवान को धोबी पछाड़ देते हैं। जाओ यहाँ से और सुनो, सबसे काबिल पहलवान को भेजना हमारे सामने। अब आप सब लोग देखिएगा कैसे चौधरी अखाड़े के पहलवान हनुमान अखाड़े के एक एक पहलवान को धूल चटाते हैं, और जब हमारे पहलवान इस अखाड़े के पहलवानों को धूल चटाएंगे तो दाखिले का तो छोड़ दीजिए, लोग झांक कर भी नहीं देखेंगे इस अखाड़े की ओर। चलते हैं, चलिए। करिश्मा सिंह, चुनौती तो दे दी है लेकिन अब हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार हार गए तो दीप्ति और उसके पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जय हिंद जय हिंद। आप सबने ये पोस्टर देखे जो बाहर लगे हुए हैं? कोई नई फिल्म आई है क्या मैडम सर? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हम सब साथ में जाएंगे, देखने तो मजा आएगा। क्या बात कर रही हैं संतु जी आप, क्या बात कर रही हैं आप, अकेले क्यों जाएंगी? हाँ हाँ अकेले कैसे जाएंगी संतु जी, मैं हूँ ना, मेरे साथ जाएंगी क्यों संतु जी? हाँ हाँ हम सब जाएंगे सिनेमा देखने, पहले पोस्टर तो देखे क्या है। हनुमान अखाड़े ने दी चुनौती? हनुमान अखाड़े ने नहीं दी है, करिश्मा मैडम ने चुनौती दी है। सोच लो, दोनों भी सोच लो, अभी भी टाइम है। पोस्टर तो देखो। हाँ देखो, पोस्टर देखिए, पोस्टर देखिए संतु जी। अरे कोई भी पहलवान हो, करिश्मा मैडम यू हरा देगी उसे। करेक्ट संतु जी। मैडम सर बचा लो मैडम सर। क्या हुआ? हमारा अखाड़ा तो अब बचने से रहा, लेकिन अब करिश्मा मैडम को बचा लो। किससे बचाएं? है? आओ इधर आओ, बन गए ना, इधर आओ इधर आओ। इतना ज्यादा खुदुर बुदुर मत किया करो, सुनते ही नहीं, लगा ना। दीप्ति आप प्लीज पहले शांत हो जाइए, जब भी आप थाने में आती है कुछ ना कुछ तोड़ देती हैं। शांति से बताइए हुआ क्या है, किससे बचाएं और क्या करें? आई इज सेइंग मैडम, धर्मपाल ने जिस पहलवान को करिश्मा मैडम की ओपोजिशन में आउटस्टैंड किया है, मतलब धर्मपाल ने करिश्मा मैडम के ऑपोजिट के खिलाफ जिसे खड़ा किया है। सेम डिफरेंस। मैडम मैडम आप पहलवानों से कम और इंग्लिश ही ज्यादा कुश्ती करती है नहीं? मैडम सर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पहलवान के खिलाफ करिश्मा मैडम लड़ने जा रही हैं वो बहुत ही बलशाली और निर्दयी है, वो आदमी नहीं जानवर है, जानवर। अमरीक ने आज तक जितने भी पहलवानों से कुश्ती की है उनको अखाड़े की धूल चटाई है। ये
और 90% लोग जो उसके दाव पीच में फंस कर नीचे गिरते हैं मैडम, वो दोबारा नहीं उठ पाते। इसीलिए मैडम हम कह रहे हैं कि आप करिश्मा मैडम को अखाड़े में जाने से रोकिए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए करिश्मा मैडम की जान खतरे में नहीं डाल सकते मैडम।